प्यारे बच्चों, आपका जो फिजिक्स का चैप्टर का रिवीजन चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर का मोशन का, वो कंप्लीट हो गया। अब रीजन के बाद में मैंने कहा था कोई बच्चे को अगर दिक्कत हो तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, मैं ताकि उनको सोल्व करूँ, आपकी मदद कर सकूँ। और बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे, शेयर करते हैं, प्रॉब्लम भेजते हैं मुझे। यूनिफॉर्म एस्केलेशन एक बच्चे ने पूछा है कि सर यूनिफॉर्म एस्केलेशन दोबारा से समझा दीजिए। बिल्कुल अच्छी बात है, साइंस में जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा उसको क्लियर करके, माइंड में कंसेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए, यूनिफॉर्म से पहले मैं एस्केलेशन बताता हूँ। एस्केलेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब एक शब्द है यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इसलिए अगर ये वेलोसिटी के अंदर बदलाव एक जैसा होता रहे हर एक एक सेकेंड के ऊपर, यानी कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि ये कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी समझ लीजिए आप, इसको बॉडी है कोई ऊपर, और ये आपने यहां से इसको ड्रॉप किया नीचे की तरफ, ये आपकी अर्थ है, अर्थ पे आप इसको डाल रहे हो ऊपर से नीचे। तो मान लीजिए आप सबको मालूम है कि यू तो क्या होता है, जीरो होता है, गिरने से पहले उसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या है, जीरो। परंतु जैसे ही आप उसे नीचे डालेंगे उसकी वेलोसिटी के अंदर हर सेकेंड बदलाव आएगा। अगर यह बदलाव एक जैसा है, यानी कि जो चेंज आ रहा है इस चेंज की वैल्यू आगे कांस्टेंट आती चली जाए, सेम आती चली जाए, जैसे मान लीजिए यहां जीरो थी, यहां इसकी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, यहां इसकी वेलोसिटी मान लीजिए बनती है 5 मीटर पर सेकेंड, अब यहां से यहां तक पहुंचने में 10 मीटर पर सेकेंड, यहां हो गई इसकी 15 मीटर पर सेकेंड, यहां हो गई इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, यहां हो गई इसकी 25 मीटर पर सेकेंड, यहां हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, यहां हो गई इसकी 35 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि ये जो हर सेकेंड में जो चेंज है, ये एक सेकेंड है, ये नेक्स्ट अगली सेकेंड है, यानी कि 2 सेकंड में, पहली सेकंड में 5 था तो सेकंड में कितना 10 है, तो इसका अंतर कितना आ रहा है 5। अब यहां से यहां तक का अंतर कितना आ रहा है 5, यहां से यहां तक का अंतर 5, ये भी 5, हर एक में आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो 5 का आ रहा है, इसका आ रहा है 5, यानी कि जो ये है इसमें डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस सेम है तो एस्केलेशन उसका क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म, क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म। और अगर इसका फिर आप भी प्लॉट करेंगे, अगर आप इधर टाइम ले लेंगे और इधर आप वेलोसिटी ले लेंगे तो इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। इन वैल्यूज पर जब आप प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा इस टाइप से, इन वैल्यूज को प्लॉट करके आप देखेंगे। तो आपका ग्राफ जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एकदम से, जैसे ये वैल्यूज आपने प्लॉट किया है तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, तो वह आपका यूनिफॉर्म एस्केलेशन कराता है। तो बस कंसेप्ट यूनिफॉर्म में क्या है कि चेंज जो आ रहा है वेलोसिटी में वो समान होना चाहिए, जैसे मैंने दिखाया 5 5 5 5, तो जब चेंज समान है तो यूनिफॉर्म। अगर ये चेंज समान नहीं है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो वो क्या कराएगा, नॉन यूनिफॉर्म, और उसका ग्राफ आपका कुछ भी ऐसे भी आ सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आए। तो बेटा ये मैंने समझाया आपको यूनिफॉर्म एस्केलेशन का। अब बच्चे ने मुझे 2 प्रॉब्लम जो मैंने दी थी पेज बताए थे आपकी बुक के, वो ये पेज आपको करने हैं, उसमें से उन्होंने पेज नंबर 42 पर उन्होंने 2 प्रॉब्लम मुझे भेजी है, और उसमें उन्होंने पूछा है कि सर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि पहला सवाल उन्होंने 44 दिया है, 44 में क्या कह रहा था, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, जब आप स्पीड टाइम ग्राफ, इधर आपने स्पीड ली है, इधर आपने टाइम लिया है, और इसमें मान लीजिए आपने कल देखा भी था कि इससे हमने सवाल किया था इक्वेशन ऑफ मोशन जो निकाली थी ग्राफिकली, तो ये जीरो है, ये ए, ये बी,
सी और ये डी अपन ने लिया था, तो कह रहा है कि सर इसमें जो डिस्टेंस है ना, उस जो ये फिजिकल क्वांटिटी, इसके एरिया से जो फिजिकल क्वांटिटी निकलती है वो क्या निकलती है? आपको पता है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या निकाला था अपने एरिया, तीन इक्वेशन आपने की थी, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में आपने निकाल के देखा था एस बराबर, एस का मतलब डिस्टेंस है और एस किसके बराबर आ रहा था, एरिया ऑफ दिस फिगर, ये जो फिगर दो टुकड़ों में निकाला था तो सेकंड इक्वेशन आई थी, और कंप्लीट फिगर जब हमने लिया था तो उससे आपका जो ट्रेपेजियम फिगर है उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला लगाया था उससे भी आपका क्या आया था, डिस्टेंस आया था। तो आपने क्या देखा है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मैं समझाने के कंसेप्ट आपके दिमाग में डालता हूँ, आपके माइंड में कैसे समझाना है कि डिस्टेंस निकालना तो ये जो एरिया है स्पीड और टाइम का ये आपको डिस्टेंस देता है, परंतु आप कहते हो सर ये एरिया है, चलो आपकी बात मान लेते हैं, एरिया में जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, ये लेंथ है ये ब्रेड है, इसका एरिया क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रेड, एरिया क्या आया लेंथ इंटू में ब्रेड, तो लेंथ मीटर है ब्रेड मीटर है तो क्या हो गया, चलो आपकी बात मान लेता हूँ, तो ये क्वांटिटी कौन सी है, डिस्टेंस है, ये क्या है एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर मान लेता हूँ, परंतु इसकी यूनिट क्या है, आपने तो खाली डिस्टेंस निकालना है, तो आप समझिए डिस्टेंस ये आपकी मीटर स्क्वायर है इधर तो एरिया, और ये नीचे इसकी यूनिट चली जाएगी मीटर, तो कट गया क्या बचा मीटर, यानी कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी मीटर। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन सही है, इसमें उसने मीटर दे रखा है परंतु पीछे आंसर जो है मीटर स्क्वायर दे रखा है, वो उसने गलत कर लिया होगा क्योंकि मीटर स्क्वायर तो एरिया है, परंतु ये एरिया हम किसके बराबर दिखा रहे हैं डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस की यूनिट तो मीटर होती है हमें मालूम। तो स्पीड और टाइम ग्राफ के अंदर जो ये एरिया है ये एरिया डिस्टेंस को बताता है, एरिया डिस्टेंस को बताता है, तो एरिया न्यूमेरिकली भी निकालते हैं, न्यूमेरिकली जो भी वैल्यू आई है उसको आप मीटर में रखेंगे तो वो आपका डिस्टेंस है, तो ये कंसेप्ट इसने क्लियर किया है। अब अगला जो है क्वेश्चन जो 45 है उसमें बच्चे ने पूछा है कि सर कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल, इफ यदि कंडीशन दे रखा, डिस्प्लेसमेंट को मैं डी वेक्टर से बताता, इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, इज इट प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, कि ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एस्केलेशन से नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन से, इंक्रीजिंग एस्केलेशन या डिक्रीजिंग एस्केलेशन। अब देखिए आपको मालूम है एस्केलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है टाइम, टाइम में टी लिया, तो एस्केलेशन यहां से वेक्टर क्वांटिटी है। अब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, देखो ये चेंज इन, अब वेलोसिटी की जगह लिख दीजिए आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें टाइम डिवाइड कर दूंगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, परंतु टाइम तो पहले यहां दे रखा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन पूछ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ए क्या है आपका, देखो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया डी बाई टी और ये टी नीचे है, तो ए क्या है आपका डी अपॉन में टी स्क्वायर आ गया। अगेन उससे ये चीज पूछी है तो किस प्रकार का एस्केलेशन है, डी बाई टी इज इक्वल टू ए, यानी कि ये रेशियो एस्केलेशन के बराबर है, तो आप देखिए इसका रिलेशन बनाता हूं टी स्क्वायर और ये ए इज इक्वल टू डी, अब यहां से आपका डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया टी स्क्वायर, कब हो गया ये इक्वल के साइन को हटा करके मैंने प्रोपोर्शनलिटी लगाया, ये कब हो गया कि जब एस्केलेशन, एस्केलेशन क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, यानी कि यूनिफॉर्म हो गया, चेंज इन एस्केलेशन जो आपने देखा था अभी यूनिफॉर्म एस्केलेशन का मैंने एग्जांपल दिया है कि उसके अंदर चेंज इन जो वेलोसिटी था वो एस्केलेशन क्या आ रहा था वहां पर कॉन्स्टेंट आ रहा था, 5555 आ रहा था, तो इसका मतलब ये हमारा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म है, क्या हो गया
यूनिफॉर्म एस्केलेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एस्केलेशन इसका राइट ऑप्शन है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसका राइट वाला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकता। अगला कह रहा है यूनिफॉर्म एस्केलेशन, तो बी ऑप्शन इसका सही है। इसका ऑप्शन कौन सा है, बी इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आपकी बुक में भी दे रखा है 45 का, देख लीजिए 45 का बी ही ऑप्शन है। ए में, ए 44 में आपका डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। तो बेटा बहुत अच्छी बात है, आप लग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ये बताता हूँ। और जिंदगी में मेहनत करते रहना चाहिए, आप लगे रहिए, ठीक है ना। कोई भी अगर फिर भी अभी आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे भेजिए। वैसे मेरी तरफ से अब ये लेसन जो है मैंने पूरा करवा दिया है, और जो है अब इसका मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है ना। तो आप टेस्ट के लिए तैयारी करें फर्स्ट लेसन की, मैं भी आपके ग्रुप में मैसेज भेज दूंगा कब मुझे टेस्ट लेना है, ठीक है ना। आज इतना ही, ठीक।